नमस्कार साथियों, आज का यह वीडियो हमारे किसान भाइयों, हमारे घर की महिलाओं और बच्चों के लिए डेडिकेटेड है और हमारे भाइयों के लिए जो काम पे निकलते हैं, दिन रात काम करते हैं और उनको कमजोरी आती है। यह वीडियो आप लोगों को समर्पित है, आप लोगों की मेहनत को समर्पित है। होता है क्या, जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, हम लोग तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कलम चलाते रहते हैं और जुबान चलाते रहते हैं, लेकिन जो नॉन प्रोफेशनल फील्ड के लोग हैं, जिनके पास वैसी कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, उनको वास्तव में ये वक्त बड़े कठिन वक्त है और हम आपके इस कठिन वक्त के लिए ही आपके लिए यह वीडियो बनाकर लाए हैं, जिसमें हमने आपको कमजोरी को दूर करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं बतानी हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की, यानी CFS की। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम साथियों आज की स्थिति में, आज के परिवेश में बहुत ही कॉमन स्थिति है। कॉमन स्थिति इसलिए साथियों कि अब गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस धरती का टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसी के साथ तमाम शहरों का टेम्परेचर बदल रहा है और इतना बदल रहा है कि बहुत जगह आप सुनते होंगे, जब हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और बड़े शहरों की जैसे दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बहुत जगह आप सुनते होंगे कि सड़कें पिघल गई, तारकोल पिघल गया, तो इतनी गर्मी होने लगी है। तो इस गर्मी में क्या होता है कि लोगों को एक फटीग होने लगा है और इतना फटीग होने लगा है कि वो अपने को कमज़ोर महसूस करने लगे हैं। बस यही क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। हम आपको बताएंगे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, क्योंकि बड़े लंबे अरसे तक चलता है, इसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं या आपको इससे बाहर निकालने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी CFS होता क्या है। CFS साथियों वह स्थिति होती है आपकी वीकनेस की, लगातार भारी वीकनेस की, जिसका कोई कारण ना हो और जो आपकी थकान के बाद किए गए आराम से भी ठीक ना हो, वही क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को साथियों सेड यानी सिस्टमिक एक्सर्शन इनटॉलरेंस डिजीज भी कहते हैं। इसमें जो यह पूरे आपके शरीर का एक्सर्शन पड़ता है, इसकी इनटॉलरेंस हो जाती है, पूरा सिस्टमिक एक्सर्शन जो आपके पड़ता है इसका इनटॉलरेंस हो जाता है और आप काफ़ी वक्त तक, लंबे अरसे के लिए परेशान हो जाते हैं। खासतौर से हमारे किसान भाई परेशान होते हैं, जो रात रात भर खेती का काम करते हैं, दिन दिन भर खेती का काम करते हैं, फसल कटने के टाइम पे उनको यह फटीग सिंड्रोम होता है। यह दवाएं, आज का वीडियो उन्हीं किसान भाइयों को हमारे डेडिकेटेड है। क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के साथियों कई सारे सिम्टम्स होते हैं, इसमें से प्रमुख सिस्टम पहला तो फटीग हो गया, दूसरा नींद ना आना हो गया, तीसरा भूख न लगना हो गया, चौथा लगातार वीकनेस बना रहना हो गया, पांचवा किसी से बात कर न करना यानी कि एवर्जन हो गया, इंडिफरेंस हो गया। तो यह सब जो स्थितियां होती हैं यही क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की स्थितियां होती हैं। इसके कारणों की बात कर लें साथियों, इसका कारण आज तक अननोन है, लेकिन जैसा कि हमने बताया सेड यानी सिस्टमिक यह डिजीज़ होता है, तो सिस्टमिक इंटॉलरेंस यानी कि पूरे शरीर के जब एक साथ एक्सर्शन पड़ जाता है तो सारी मसल्स और आपके सारे सिस्टम फटीग में आ जाते हैं, यही इसका कारण है। इसका एग्जैक्ट कारण आज तक अननोन है। बताते हैं साथियों आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। दवाएं बताने से पहले साथियों बता दें कि अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो उसके बहुत कारण हो सकते हैं, तो कभी भी आपको दिक्कत हो किसी कुशल चिकित्सक को दिखा के उसे प्रिस्क्राइब करा के ही कोई भी दवा लें। हमारे या किसी भी चैनल पर बताए गए माध्यम से आप दवा ना लें। बताते हैं साथियों आपको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी CFS को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों पहली फॉरमोस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट दवा जो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की है होम्योपैथी में, वह है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार हर उस स्थिति की दवा है जब आपको रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो, आपको हर वक्त इतना थक गए हो कि लेटने का मन करता हो। तो अगर यह आप में इच्छा हो कि हर समय आपको लेटना है, आपका थोड़े थोड़े समय पर गला सूखता हो, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार लेने से आपका यह फटीग का, कमजोरी का जो सिंड्रोम है यह ख़त्म हो जाएगा और आप राहत पा जाएंगे। आर्सेनिक एल्बम उन लोगों के लिए भी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की सबसे अच्छी दवा है जो डायबिटिक हैं, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम डायबिटीज़ की सबसे बेहतरीन दवाओं में से है। हम अपने क्लिनिक पर देखते हैं कि यह दवा
लेकर हम लोग ब्लड शुगर को बहुत इफ़ेक्टिवली कंट्रोल कर लेते हैं। तो यह सिम्टम उनकी वीकनेस को भी ख़त्म करता है, यानी उनको फटीग से भी निकालता है। तो आर्सेनिक एल्बम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की एक बेहतरीन दवा है उसको ठीक करने की। एक स्थिति आती है साथियों क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की कि जिसके क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम होता है उसको एक डर सा लगने लगता है, नर्वसनेस आ जाती है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपको बहुत घबराहट, डर और नर्वसनेस हो रही है और आपके बहुत ज़्यादा कमजोरी है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको लाभ हो गया और आपका यह जो डर, घबराहट और कमजोरी है, तीनों चीज़ें इस दवा के यानी आर्जेंटम नाइट्रिकम के सेवन से ठीक हो गई। फिर साथियों एक कंडीशन आती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में कि थोड़ा सा काम भी भारी पड़ता है और बहुत कमज़ोरी रहती है। अगर यह स्थिति साथियों हो कि आपको थोड़ा सा काम भी भारी पड़ता हो और आपको बहुत वीकनेस रहती हो, आपकी मेमोरी बहुत वीक हो गई हो, तो आपकी मेमोरी को ठीक करने की और आपकी कमज़ोरी को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है काली फॉस्फोरिकम। आप काली फॉस्फोरिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका मेमोरी भी स्ट्रांग हो गई और आपकी कमज़ोरी भी भाग गई। तो काली फॉस 6x पावर में 4 गोली सुबह 4 शाम लेकर आप इस समस्या से अपने को निकाल सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की मेंटल कि आपको कुछ नहीं अच्छा लगता, कुछ भी आपको एक्साइट नहीं करता है, कुछ भी आपके करने का मन नहीं करता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आप बिल्कुल ही विचारहीन हो गए हों, तो होम्योपैथी में इस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा एवेना सटाइवा है। इसको 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। आप देखेंगे कि आपका ताकत भी आ गई, आपको इस समाज में अच्छा भी लगने लगा, लोगों से आप बातचीत करने लगे और आपकी थकान भी खत्म हो गई। फिर साथियों एक स्थिति आती है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की कि लगातार कमजोरी बनी रहती है, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस। तो अगर ये 4 सिम्टम आप में एक साथ हैं, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, वीकनेस, तो आपको इन 4 सिम्टम से निकालने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जलसीमियम। जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो, हर वक्त सुबह हो या रात लेटने का मन करता हो, आपको प्यास ना लगती हो और आप में डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और कमजोरी पूरी तरह से आपको घेर चुकी हो, तो ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा जलसीमियम है। इसको लेके आप अपने को ठीक कर सकते हैं। इस लेने से आपके प्यास भी बढ़ जाएगी, आपकी वीकनेस भी दूर हो जाएगी और CFS यानी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से आप बाहर आ जाएंगे। फिर एक स्थिति आती है साथियों का आपके बहुत कमजोरी आने लगी जब आपको कई दिन तक आपको सो नहीं पाए ठीक से। जब यह स्थिति हो साथियों कि कई दिन तक आप सो ना पाएँ और कमजोरी बनी रहे और फिर आपको यह दिक्कत होने लगे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है नक्स वोमिका। हम सब इस दवा को जानते हैं, हम लोग पेट या डाइजेशन के लिए अक्सर इसको लेते हैं साथियों, लेकिन यह उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है कि जब आपको नींद ना आ रही हो लगातार और उससे आपको कमजोरी बनी रहती हो, तो आप नक्स वोमिका लेकर अपने को ठीक कर सकते हैं, अपनी कमजोरी को ठीक कर सकते हैं और अपनी नींद को प्रॉपर कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको बहुत डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, बहुत दुख में हैं और आपके क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो गया है। तो अगर यह स्थिति आपके हो साथियों कि बहुत ग्रीफ में हो आप और आपको बहुत कमजोरी आ रही हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा इग्निशिया अमारा है। आप इग्निशिया अमारा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो है आप अपने गम से भी निकल गए, डिप्रेशन से भी निकल गए और कमजोरी से भी निकल गए। आप एक बार इग्निशिया ट्राई करें, देखें आपको लाभ होगा। फिर साथियों एक बहुत अच्छी दवा है कमजोरी की जो हम सबको ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, जब लोग लंबे सफ़र से आते हैं, लंबे जर्नी से आते हैं, तो उसके बाद बहुत कमज़ोरी हो जाती है। अगर यह स्थिति हो साथियों तो उस स्थिति में कमज़ोरी को दूर करने की बहुत कारगर दवा है कोका। कोका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप जो जर्नी या सफ़र से आने के बाद आपके वीकनेस है, आप उसको ख़त्म करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में कि व्यक्ति को कुछ याद रहना छूट गया,
मरीज के CFS है, क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम है, उसको कुछ याद नहीं रह रहा, और जरा भी याद करता है तो इतनी कमजोरी आती कि वो याद ही नहीं करना चाहता। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको निपटने और इस समस्या से आपको निकालने की बहुत कारगर दवा है एसिड पिक्रिनम। आप एसिड पिक्रिनम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका क्रॉनिक फटीक सिंड्रोम ख़त्म हो गया, आपकी याददाश्त भी बहुत स्ट्रांग हो गई, और जो आप में एक कैफियत है कि याद करा तो बहुत कमजोरी आने लगी, वह स्थिति ठीक हो गई और आप स्मार्टली चीज़ों को याद करके रिगेन करके लोगों को बताने लगे। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा कमजोरी बनी है तो उसके लिए आप एसिड पिक लेके अपनी याददाश्त को वापस रिकवर यानी तेज कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों जब आप इतनी कमजोरी महसूस करते हैं कि अपने को पावरलेस ताकत विहीन महसूस करने लगते हैं, अगर वह स्थिति हो साथियों तो उस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है सैक्रोलैक्टिनम। आप सैक्रोलैक्टिनम 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जिसमें आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत कमजोरी लगती हो और दिन भर आप अपने को ताकत विहीन महसूस करते हो, तो सैक्रोलैक्टिनम इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर यू। उस केस में यह दवा आपको पूर्णतया ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी CFS में कि आप की नज़रें भी कमज़ोर हो गई और आपको बहुत कमज़ोरी है, तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि आपकी नज़रें बहुत कमज़ोर हो रही हों, आपके सर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा हो और आपके जो है CFS यानी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हो, तो उस सबको ठीक करने की एक कारगर दवा है, दवा का नाम है ऑनोस्मोडियम। आप ऑनोस्मोडियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन या फिर सर का दर्द जो बैक में हो रहा है वह ख़त्म हो गया और आपकी वीकनेस ख़त्म हो गई और आप अपने को स्वस्थ महसूस करने लगे, साथ में आपका विजन भी बढ़ गया। एक स्थिति आती है साथियों हम लोग के घर महिलाओं में कि उनको जब बैठते हैं तो ज़्यादा कमजोरी आती है और जब चलते हैं तो कम कमजोरी आती है। अगर साथियों यह स्थिति हो खासतौर से महिलाओं में तो उस स्थिति को ठीक करने की और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम को खत्म करने की बहुत अच्छी दवा है म्यूरेक्स परपुरिया। आप म्यूरेक्स परपुरिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें जब आपके यह सिम्टम हो कि बैठने से आपको और उलझन होती हो लेकिन कमजोरी बनी है, भाई कमजोरी बनी तो बैठे लेकिन चले तो थोड़ा अच्छा लगा, फिर थके फिर बैठ गए लेकिन बैठे तो और बुरा लगा, तो अगर यह सिम्टम हो और कमजोरी बनी रहती हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा, हमारे घर की महिलाओं को ठीक करने की बहुत कारगर दवा म्यूरेक्स परपुरिया है। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आप बहुत लोग कहते हैं जब हमने सेक्सुअल इंटरकोर्स करा उसके बाद हम बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और यह फिर कमजोरी पूरे दिन बनी रहती है, तो अगर यह सिम्टम हो साथियों तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है सिलीनियम और कोनियम। सेलिनियम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आप इंटरकोर्स करते हो तो आपके पसीना बहुत आता हो और उस पसीने के बाद आपको बहुत कमजोरी आ जाती हो, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस सेलिनियम है। और कोनियम 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आप एक बार इंटरकोर्स करते हो और उसके बाद कई दिन तक फिर आपको ताकत ही ना आती हो यानी इरेक्शंस ना होते हों, उस स्थिति की दवा कोनियम मैक है। इसको 30 पावर में लेके आप 1 mg पावर में 2 बूंद 3 बार 5-5 मिनट के फासले पर वीकली लेके आप अपने इस सिम्टम को ठीक कर सकते हैं। फिर साथियों की स्थिति आती कि दिन भर इतना काम करा कि रात में पलंग पे गिर पड़े, तो अगर यह स्थिति हो कि इतना ज़्यादा आपके एग्जर्शन हो रहा हो और रात में आप बिल्कुल पलंग पे गिरने वाली स्थिति में आ जाएं, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है सेलिसिया। आप सेलिसिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपको सर्दी बहुत लगती हो, बहुत चिली हो आप, और आपको दिन भर इतना एग्जर्शन होता हो कि शाम को आप पलंग पर गिर जाते हो यानी बस घर आते हो और लेट जाते हो, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस सेलिसिया है, यह दवा आपकी कमजोरी को दूर कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों की ज़रा भी आवाज़ अच्छी नहीं लगती, इतनी कमजोरी है, तो अगर यह आप में सिम्टम हो कि आपको ज़रा सी भी आवाज़ अच्छी ना लगती हो और हर समय आपको पैर हिलाते रहते हों, तो उस स्थिति में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी कमजोरी को दूर करने की सबसे कारगर दवा होम्योपैथी में है जिंकम मेटालिकम। आप जिंकम मेटालिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका वीकनेस भी दूर हो गई, आपका यह जो आवाज़ों तक से दिक्कत है यह ख़त्म हो गई,
पैर हिलाने वाला हर वक्त, और रात में वह सिम्टम भी खत्म हो गया और आप अपने को स्वस्थ महसूस करने लगे। एक स्थिति आती कि साथियों कभी आपको चोट लगी और उसके बाद आपको कई दिन तक कमजोरी बनी है, ट्रॉमा पहुंचा और कई दिन तक कमजोरी बनी है। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है नैट्रम सल्फ्यूरिकम। आप नैट्रम सल्फ्यूरिकम 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि जो आपके या चोट से आपका हेड इंजरी या बैक इंजरी के बाद आपको कमजोरी आ गई है और आप परेशान हैं, वह स्थिति ठीक हो गई और आप जो CFS यानी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है इससे बाहर निकल आए। फिर साथियों एक स्थिति आती जो कि हमारे मजदूर भाइयों किसान दोस्तों को हो सकती है, वह है कि दिन भर भूखे पेट काम करा, कोई लंच नहीं लिया, डिनर नहीं लिया, पूरा दिन ऐसे ही बीत गया और उसके बाद बहुत कमजोरी आने लगी। तो अगर वह स्थिति हो कि आपने दिन भर कुछ मील ना लिया हो, खाना ना खाया हो और आप रात तक मेहनत करते करते कमजोरी आ गई हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है, उस कमजोरी को दूर करने की होम्योपैथी में दवा है स्टरकुलिया। आप स्टरकुलेरिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपकी कमजोरी दूर हो गई और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे से आप काम अपनी जगह करें लेकिन अपने खाने को स्किप ना करें। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपके क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम यानी कमजोरी को ख़त्म करने की। हम आपको फिर से कहेंगे साथियों कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि कमजोरी के बहुत कारण हो सकते हैं। पता नहीं कौन सा कारण हो, या तो हम कमजोरी के सिम्टम की बात करें लेकिन आपको कारण कौन सा हो, तो कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप अपने इस चैनल के यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके रेलिवेंट सवाल का संतोषजनक जवाब देने का मैक्सिमम प्रयास किया जाएगा। वीडियो साथियों अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।